हारिस, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रही है उसके बाद भी आप PSL खेल रहे हैं, आप बाहर भी BBL भी खेल के आए हैं, तो कितना आप समझते हैं कि जी आपके टाइटल डिफेंडिंग के लिए आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, लास्ट दो दफ़ा चैम्पियन हो चुके हैं और फैंस की एक्सपेक्टेशंस होंगी यार कि तीसरी दफ़ा भी टाइटल जीता जाए, और कोशिश यही करेंगे, और मोस्टली हमारी जो टीम है वही सेम है, और जिस तरह लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस आई हैं टीम से, कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी उस तरह ही परफॉर्मेंसेस दें। आरिस, पिछले दो एडिशन आपने जीते PSL के, तो इस दफ़ा तक तवक्कुआत का ज़्यादा प्रेशर तो नहीं शायकिन है क्रिकेट का, और इसका चैलेंज हो आपके लिए, क्योंकि पिछले दो एडिशन जीते आपने? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, फैंस की सपोर्ट होती है, और फैंस की सपोर्ट होती है, उनकी वजह से ही हम सारी बातें ग्राउंड में जाते हैं, उनको इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश यही करेंगे कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पर पूरा उतरें। अच्छा हारिस भाई, आप लास्ट टाइम जो PSL खेल रहे थे उसमें आप वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, टीम में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी नीचे गई है, थोड़ा प्रेशर तो नहीं होगा? नया बॉल भी उसमें आप कर रहे थे, थोड़ी मार पड़ रही थी, उसका प्रेशर तो नहीं होगा इस दफ़ा? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, और ऑब्वियसली बात है आपकी परफॉर्मेंसेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और आप उन्हीं चीज़ों से सीखते हो, कोशिश ये करो कि जितनी मिस्टेक्स की उनसे सीख, जितना जल्दी है सीखूं, और वापस अपना जो रिदम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है, और कोशिश ये करो जो अपने प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, जो अपनी गलतियां की हुई हैं उनको बेहतर करो। हारिस भाई, शाहिन के साथ अपनी केमिस्ट्री के हवाले से बताइए, अभी टीम में कैप्टन बन चुके हैं, जैसा भी है, जब आपको मार पड़ रही होती है तो शाहिन किस तरह से वो बैलेंस करते हैं आपके साथ? देखिए, शाहिन के साथ काफ़ी अर्से से खेल रहा हूँ क्रिकेट, और ऑब्वियसली बात है जिस तरह का वो प्लेयर है और वो फाइट करता है अपनी टीम के लिए, और जितने भी उसके प्लेयर होते हैं, चाहे वो PSL था, चाहे वो उसने अभी जिस तरह लास्ट सीरीज़ में भी कप्तानी की, उसने ये कोशिश की कि वो अपने प्लेयर्स को रिलैक्स रखें, और वही कोशिश कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैक करता अपने प्लेयर्स को। बहुत इन्वायरमेंट का फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का, लेकिन आपने बिग बैश खेली, क्या परफॉर्मेंस रही कोच बोले, लेकिन क्या आप बताएं परफॉर्मेंस अच्छी हुई? वो परफॉर्मेंस मैं इसलिए नहीं बोलता ज़्यादा, वो बट मैं अच्छी समझता हूँ आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रेशर है, उस प्रेशर को दिमाग में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद मेरी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिलेक्शन कमेटी, कितना एक मोटिवेट हैं आप लाहौर कलंदर को वापस इस टाइटल को दिलवाने में? मुझे आप क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए, दोबारा कीजिए। मैं दोबारा ये क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि जब आप बिग बैश खेलेंगे जी जी, तो पीछे जो नेशनल हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, दे वर नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट गोइंग कंसर्न विद यू, तो अब आप वापस आए, आप जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग में नेशनल सिलेक्शन कमेटी, तो मोरालिटी जो है आपकी वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है ना, आप सिर्फ फोकस्ड हैं लाहौर कलंदर पे? देखिए, आप बात करें बिग बैश की, फिर नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, नेशनल सेलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जो मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ खेली है वो मैं बिग बैश के बाद मैंने खेली है, और ऐसा कोई मेरे पर प्रेशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और PSL है एक हमारा एक अच्छा इवेंट है, ऐसा पाकिस्तान के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट होती है, और इसमें आप जो भी लड़के परफॉर्म करते हैं ओबियसली बात है वो नेशनल टीम के लिए कंसिडर किए जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी अपनी कोशिश यही करूँगा कि बेहतर और मजीद करूँ, ताकि अपनी टीम में और जगह अच्छी बना सकूँ। थैंक यू।